कोरोना मध्य प्रदेश को कुछ राहत देता दिख रहा है। यहां अब कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। संक्रमण की दर लगातार घट रही है, जो गिरकर 9% पर आ गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 90% के पास पहुंचने वाला है। कोरोना कर्फ्यू के कारण हालात नियंत्रण में आते दिख रहे हैं। एमपी में कोरोना के हालात पर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बार फिर फोन पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि मध्य प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रदेश में पॉजिटिव केस 5921 आए हैं, जबकि डिस्चार्ज पेशेंट की संख्या 11513 है। मध्य प्रदेश की आज रिकवरी रेट 87% है और पॉजिटिव रेट 9% है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से कई फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत हो चुकी है। वायरस की चपेट में आकर कई डॉक्टर, नर्स और पुलिस जवान जान गंवा चुके हैं। इस बीच शिवराज सरकार 2 योजनाएं लागू करने जा रही है, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और विशेष अनुग्रह योजना। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को की है। पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमन सिंघार के बंगले पर सुसाइड करने वाली 39 साल की गर्लफ्रेंड सोनिया के बेटे आर्यन ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने सिंघार पर यह कहते हुए आरोप लगाने से मना कर दिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। शनिवार को नानी से मां ने बात की थी, उन्होंने ऐसा कुछ गंभीर नहीं बताया था। 1 महीने में ही मां और सिंघार शादी करने वाले थे। इधर कोलार संखेड़ी विश्राम घाट में सोनिया का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सिंघार भी पूरे समय मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल में कोरोना से एक वरिष्ठ महिला वकील की मौत हो गई। इसको लेकर एक वकील ने शिकायत कर मामले की जांच कराने की अपील की है। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम को काम में लापरवाही बरतने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। इसे देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव आकाश त्रिपाठी ने आरोप की जाँच कराने के निर्देश भोपाल कलेक्टर को जारी कर दिए हैं। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र से कोरोना संक्रमण रोकने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे खुद प्रतिदिन गौमूत्र का अर्क लेती हैं, इसी कारण अब तक इस संक्रमण से बची रहीं और इसके चलते उन्हें आगे भी संक्रमण नहीं होगा। ये बात प्रज्ञा ने रविवार को भोपाल के संतनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उज्जैन में सोमवार को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का दौरा हुआ। मंत्री कोरोना समीक्षा बैठक के लिए जिले के जिलाधिकारियों के साथ चर्चा करने कोठी रोड स्थित बृहस्पति भवन पहुंचे थे, जहां कुछ देर बाद ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान हाथ में फूल और ज्ञापन लिए पहुंची, जिन्हें पुलिस वालों ने रोका और कहा, आप ही हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे, अभी ऐसी कोई अनुमति मिलने की नहीं है। राजधानी के चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मनमानी में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत इलाज करने से मना करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन सोमवार को अन्य मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर आयुष्मान योजना से इलाज से मना करने का आरोप लगाया है। इससे पहले रविवार को भी एक परिजन ने इसी तरह का आरोप लगाया था। कलेक्टर ने इसकी जाँच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ी घटना हो गई है। झारखंड के कोरबा से ऑक्सीजन लेकर आ रहा टैंकर सागर दमोह रोड पर पलट गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। टैंकर में किसी तरह का लीकेज नहीं है। मध्य प्रदेश में अब अरब सागर में उठे तूफान ताउते का असर दूसरे दिन भी दिखा। रविवार को तूफान के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तूफान के कारण तेज हवा गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई।